नमस्कार दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आप लगातार करंट अफेयर के टॉपिक को देखते रहिए। ये हमारा केवल करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर से संबंधित जो हमारे सिलेबस से संबंधित मुद्दे हैं, जो हमारे एग्जाम से संबंधित मुद्दे हैं, उन सब पे हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। और केवल एग्जाम के पर्पस से हम बातें करते हैं। तो आप इस पे क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। एक महत्वपूर्ण न्यूज आई जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था और भारत क्या हो पाकिस्तान से हार गया। तो उसमें एक्चुअली क्या था, ये हमारे खिलाड़ी हैं। तो एक्चुअली क्या है, मैच को डिफाइन करने का एक कैच था, तो कैच इनके हाथों से छूट गया। तो हाल ही में क्या हुआ, पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया जो है एजेंसियां हैं, जो हमारी उनकी इंफॉर्मेशन एजेंसियां हैं, तो उनने क्या किया, तुरंत विकिपीडिया को एडिट किया और इसको उनने क्या किया, खालिस्तानी से जोड़ दिया, ठीक है, जो जिसकी हम सर्वथा निंदा करते हैं। और भारत सरकार ने भी इसकी निंदा की और विकिपीडिया को एक समन भेजा और इसके बाद बारे में उनको नोटिस दिया और अवगत कराया, ठीक है। तो इससे संबंधित हमारी न्यूज क्या है, तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया कि इनको ऐसा बताया, ठीक है। और भी बहुत सारी न्यूजें हैं, जैसे 30% ब्यून से संबंधित क्या है, रिजर्वेशन है, तो ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे विकिपीडिया पे अर्शदीप सिंह का खालिस्तान से क्या कर दिया, कनेक्शन बता दिया। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि भारत को तोड़ना और भारत में जो हिंदू और सिखों के मध्य मतभेद पैदा करना और दंगे भड़काना, ठीक है। क्यों, पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता कि भारत क्या हो, एक समृद्ध राष्ट्र हो, ठीक, और वो विकास की गति पे आगे हो। पाकिस्तान का हमेशा से ये मोटिव रहा है कि भारत के क्या हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, जबकि ये कभी समृद्ध कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश क्या है, समृद्धशाली है। और हमारे देश में जो सहिष्णुता है, हमारा देश धर्म के नाम पर विभाजन नहीं हुआ था, हमारा देश में सभी लोग थे, ठीक है, ठीक है। हमने विविधता में एकता को स्वीकारा, ठीक है। तो ये बातें हमने ध्यान रखते हैं। इनका मोटिव हमेशा ये रहता है कि भारत का विभाजन हो, पाकिस्तान भारत से क्या हो, अलग हो, जैसा कि खालिस्तान के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को भारत से अलग करने की मांग करते हैं, उनमें से हमारा हमारा छोटा भाई पाकिस्तान भी है, ठीक है। अब हाल ही के दिनों में पाकिस्तान बहुत विपदा से जूझ रहा है कि बाढ़ का कहर है वहां पे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपको कहीं ये एग्जाम्पल में आप कोट करके लिख सकते हो, अगर आपको पाकिस्तान और भारत के रिलेशन के संबंध में बात करनी हो, यानी कि आईआर के टॉपिक के संबंध में बात करनी हो, तो आप इसको एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो कि देखो पाकिस्तान हमारे साथ क्या क्या करता है, तब भी हम उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, हम कितने सहिष्णु हैं, हम कितने टॉलरेंस हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब बात आती है मेन विकिपीडिया की। अब विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमने सभी ने यूज किया होगा। हालांकि क्या है कि विकिपीडिया पे कोई भी एडिट कर सकता है, मतलब कि उसको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ये बात महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, विकिपीडिया पे मतलब अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको कोई भी क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, ये आप देख लेना, ठीक है। अब क्या बात है, अब ये है कि हमको अगर विकिपीडिया के बारे में, अगर आप विकिपीडिया के द्वारा कोई मिस इन्फॉर्मेशन लीड की जाती है, तो विकिपीडिया क्या करता है, आपको ब्लॉक कर सकता है। और आप
अगर विकिपीडिया को एडिट करना चाहो तो आप एडिट नहीं कर पाओगे, मतलब आपके अकाउंट को क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है सरकार के द्वारा। अगर आप विकिपीडिया पे एडिट करोगे तो आपका आईपी एड्रेस जाएगा, तो उसके द्वारा आप क्या होगे, पकड़ सकते हो। तो सरकार ने इसकी पूछताछ करवाई तो जो आईपी एड्रेस आ रहे थे वो पाकिस्तान से आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इसको चेंज किया गया, किसने, पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि एनसीआरबी ने एक डेटा पब्लिश किया है कि 2021 में जो हमारी जो प्रिवेंशन जो डिटेंशन करते हैं आर्टिकल 22 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 22 के तहत, उसमें 23.7% का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, ठीक। और अभी तक 1.1 लाख पीपल क्या हो चुके हैं, डिटेंशन हो चुके हैं, और 483 जो पीपल हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या हुए हैं, डिटेन हुए हैं। डिटेन जैसे जम्मू कश्मीर 370 अगर आर्टिकल रिवोक किया गया था तो वहां के जो स्थानीय नेता थे उनको डिटेन करके रखा था, इसको बोलते हैं डिटेंशन, ठीक है, मतलब कि नजर बंद करके रखना, ठीक। डिटेंशन क्या है कि आप अगर भविष्य में, मतलब फ्यूचर में, वर्तमान में नहीं, आपने कोई क्राइम किया है तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है, आप अगर सरकार को आशंका है कि आप फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकते हैं तो आपको सरकार क्या कर सकती है, नजर बंद कर सकती है, डिटेंशन कर सकती है, ठीक है। इसको डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना, ये डेटा है तो आप देख सकते हो 2017 में कितने डिटेंस थे, 501, रिलीज कितना गया 229, 2018 में कितने थे 697, रिलीज कितना किया गया 568, और 2019 में कितने थे 489, रिलीज कितना किया 279, और 2021 में कितने थे 483, रिलीज कितना किया 242। तो आप ये डेटा मीन्स में कोट कर सकते हो, आप स्पेशली ये वाला डेटा महत्वपूर्ण है तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है, जब भी कोई प्रश्न आता है। अब सरकार किस पे आपका, आपको मतलब की कौन कौन से जो क्राइटेरिया है जिससे सरकार आपको डिटेन कर सकती है, सरकार को अगर ये खतरा महसूस होता है कि आप राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है, खतरनाक है, असामाजिक तत्व है, तो सरकार आपको क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है, पहली बात ये, ठीक। अगर आप पब्लिक ऑर्डर मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को खराब करते हैं जिससे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है तो सरकार आपको क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है। जैसे आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था तो वहां के स्थानीय नेताओं को क्या किया गया, सरकार ने डिटेन करके रखा, क्योंकि उनको सरकार को ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर के हालात को और जम्मू कश्मीर के जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है वहां के, वो जा खराब कर सकते, ठीक है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आप हमारे विदेशी संबंधों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक, विदेशी संबंध मतलब कि हमारे अगर अमेरिका से अच्छे संबंध हैं तो आप, अगर आपने कहा कि अमेरिका के खिलाफ वो गलती गलत बात कर दी, गाली दे दी, मतलब कि ऐसा कोई कृत्य कर दिया जिसे सरकार के अमेरिका के साथ संबंध क्या हो, खराब हो जाए, और सरकार की विदेश नीति क्या हो, प्रभावित हो, तो उसके आधार पर आपको डिटेंशन हो सकती है, ठीक। संविधान में प्रावधान ये है कि आर्टिकल 22 की क्लॉज 3 के तहत कि पर्सन को डिटेन किया जाएगा, ठीक है, और अगर पर्सन को नजरबंद या डिटेन किया जाता है तो उसको कोई मतलब कि संरक्षण नहीं मिलेगा आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत। इसके तहत क्या किया जाता है, मान लो आपको अधिकार दिया जाएगा, आप लॉयर ले सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में भी पढ़ेंगे। और आपको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत आपको कोई अधिकार नहीं है, पहली बात ये हो गई, ठीक। अब आर्टिकल जो 22 है हमारा, जो जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 22 आता है, उसमें दो तरह के लो हैं, मतलब कि दो तरह के हमारे प्रावधान हैं। पहला तो एक सामान्य प्रावधान है, दूसरा है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। तो इनको हम पढ़ लेते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सामान्य अगर प्रावधान
पुनिटिव डिटेंशन है, मतलब कि आपने कोई अपराध कर दिया तो सरकार आपको क्या करेगी, आपको अरेस्ट करेगी, ठीक है। और इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि सरकार को अगर ऐसी आशा हो जाती है कि आप फ्यूचर में अपराध करने वाले हैं जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो सरकार आपको क्या करेगी, डिटेंस कर सकती है, ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो पनिटिव है इसमें, अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसको एक जानकारी देनी पड़ेगी, ग्राउंड देना पड़ेगा कि आप किस आधार पर अरेस्ट कर रहे हैं, कि आपने डकैती की है, कि आपने चोरी की है, कि आपने किसी का मर्डर किया है, ठीक। इसमें क्या होता है कि सरकार अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर रही है तो 3 महीने तक वो आपको डिटेन कर सकती है, ठीक। और 3 महीने तक वो आपको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, सरकार का मन नहीं है कि नहीं बताएगी आपको कारण। 3 महीने बाद आप सरकार को बोर्ड के समक्ष पेश करना पड़ेगा, और अगर सरकार चाहती है कि आपका डिटेंशन 3 महीने से अधिक हो तो इस बोर्ड के समक्ष आपको रीजनेबल कारण बताना पड़ेगा, तभी आपका क्या हुआ, आगे आपका डिटेंशन बढ़ सकता है, ठीक है। सामान्य में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप लॉयर हायर कर सकते हो, ठीक। इसमें क्या होगा कि आपको जो जि जिसको आपने, मतलब कि सरकार ने, आपने नहीं, आप सरकार नहीं हो, सरकार ने डिटेन किया है उसको ग्राउंड उसके साथ मतलब कि ग्राउंड बताना पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहे तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट, अगर सरकार की इच्छा हो कि ये बताना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है कि हमने उसको क्यों डिटेन किया है, तो सरकार चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब सार्वजनिक हित में, मतलब क्या कर सकती है, कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो साधारण वाले में इसको, मतलब कि कोई भी आपको मतलब कि गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जिसमें जो यात्रा का समय होता है वो शामिल नहीं होता है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, शामिल नहीं होता, ठीक। इसमें 3 महीने तक आप पेश करने की आवश्यकता, इसको पेश करना जरूरी नहीं होता, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, 24 घंटे के बाद आप अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक हो, इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो, तो आप आगे इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक। ये जो है, ये सेफगार्ड जो मिलते हैं, वो जो हमारे एनमी अलायन है, एनमी अलायन जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनके लिए नहीं है। लेकिन ये वाला जो सेफगार्ड है, इसके अंतर्गत जो सेफगार्ड मिलते हैं, वो चाहे हमारे भारत के नागरिक हों या फिर विदेशी नागरिक हों, उनको भी मिलते हैं, तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको क्या रखोगे, ध्यान, ठीक है, ये बात हो गई। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि अभी जो हमने पढ़ा ना कि सरकार 3 महीने से ज्यादा अगर आपको रिटर्न कर सकती हो तो एक बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा, जिसका अध्यक्ष क्या होगा, हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1948 में हुआ, उसमें डिटेंशन पीरियड को 3 से 2 महीने करने की बात की गई, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि अभी जो पीरियड है वो कितना है, 3 माह ही है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो कानून बना सकता है वो पार्लियामेंट भी बना सकता है, और स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है, इस मतलब की जो राज्य विधान विधायिका होती है, वो भी कानून बना सकती है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब सरकार ने पार्लियामेंट में कौन कौन से कानून बनाए हैं, एक प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 बनाया, जिस जो 1969 में क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, मतलब ये अभी है नहीं। एक सरकार ने मीसा बनाया 1971 में, जो क्या हो गया, 1978 में एक्सपायर हो गया। सरकार ने कहा कि है कंजर्वेशन फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 बनाया, ठीक
ठीक है, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट बनाया 1900, ये अभी है, ठीक है, ये एक्सपायर नहीं हुआ है। एक सरकार ने पीबीएम एसईसीए ये बनाया 1980 में। सरकार ने टाडा बनाया जो रिपील हो गया 1995 में। सरकार ने पोटा बनाया जो 2004 में रिपील हो गया। मतलब कि ये अभी है, इसको ध्यान रखना। और भी जो कानून है जो राज्यों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया गया है, गुजरात के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया है, मतलब ये क्या है, हमारे कानून है। तो आप इनको क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, से केंद्र सरकार ये चाहती है कि हम क्या करें, पीएम श्री योजना चालू करें। इसका मतलब होगा कि हम ऐसे स्कूलों का निर्माण करें, वो क्या हो, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध हो, जिसमें लोग केवल पास ना हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, जिसमें सभी को शिक्षा हो, मतलब कि जो महत्वपूर्ण, और इसमें हाई स्टैंडर्ड के सभी क्या हो, मटेरियल हो, बिल्डिंग अच्छी हो, टीचर अच्छे हो, टीचरों की ट्रेनिंग हो। इतने स्कूल अक्रॉस इंडिया बनाए जाएंगे, संपूर्ण देश में 14,500, और एक मॉडल स्कूल की तरह डेवलप होंगे, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको क्या करेंगे, लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे, ठीक है, ये हमारी न्यूज है। अब आगे की न्यूज ये है कि हम क्या करें,